सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बिफोर परचेजिंग। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट चिमनीज के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके चिमनी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है किसी भी चिमनी को परचेज करने से पहले। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट चिमनीज इंडियन मार्केट के अंदर कौन से अवेलेबल है, और उन सभी के जो डायरेक्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल में जाने से पहले, अगर आप बिफोर परचेजिंग पर पहली बार आए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एक चिमनी को परचेज करते वक्त सबसे बड़ा और मेन कंफ्यूजन ये होता है कि आपको एक बैफल फिल्टर चिमनी लेनी है या फिर एक फिल्टरलेस चिमनी लेनी है। इन दोनों ही टाइप की चिमनीज के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कुकिंग हैबिट्स क्या है और साथ ही साथ आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पर मेजर डिफरेंस की बात करें तो जो बैफल फिल्टर चिमनीज होती हैं उनके फिल्टर्स की क्लीनिंग आपको 3 से 4 हफ्ते के अंदर जरूर करनी होती है, क्योंकि इस टाइप की चिमनीज की जो जाली होती है उसके अंदर ऑयल इकट्ठा हो जाता है, और अगर आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपके चिमनी की जो सक्शन पावर है वो रिड्यूस होती है, और साथ ही साथ इस टाइप की जो चिमनीज होती है उनकी मोटर ओपन होती है, जिस वजह से उस पर भी बैड इफेक्ट आ सकता है। और क्लीनिंग का एक और रीजन ये होता है कि फिल्टर्स के अंदर जो ऑयल इकट्ठा होता है उसके अंदर आग लगने का भी खतरा हो सकता है, लेकिन फिल्टरलेस चिमनीज के अंदर आपको ऑटो क्लीन फंक्शन मिलता है जिसकी हेल्प से आप इजी क्लीनिंग कर सकते हैं, और इस टाइप की चिमनीज के अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल कलेक्टर ट्रे के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप रिमूव कर इजीली वॉश कर सकते हैं। सेकेंडली, फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनीज के अंदर जो मोटर होती है वो सील्ड होती है, जिस वजह से चिमनी की सक्शन पावर पर भी कोई भी बैड इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इस टाइप की चिमनीज के अंदर भी लगी हुई ग्रिल को आपको पीरियोडिकली क्लीन करना पड़ता है, या फिर आप उसे सर्विसिंग के दौरान टेक्नीशियन से भी क्लीन करा सकते हैं। और मेरा सिंपल सा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप एक हाई मेंटेनेंस चिमनी परचेज करना चाहते हैं, यानी कि आप उसके फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन कर सकते हैं और आप ज्यादा ऑयली फूड कुक करते हैं, तो आप बैफल फिल्टर की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप एक इजी टू मेंटेन चिमनी परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी को परचेज कर सकते हैं। इन दोनों ही टाइप के बेस्ट चिमनीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं। नंबर 2 कन्फ्यूजन यहाँ पर आती है साइज को लेकर। अगर आपके किचन के अंदर 2 या फिर 3 बर्नर गैस स्टोव है तो आपको एक 60 सेंटीमीटर चिमनी परचेज करनी चाहिए, और अगर उससे ज्यादा है तो आपको एक 90 सेंटीमीटर चिमनी परचेज करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर आता है आपके चिमनी के नॉइस लेवल्स। जनरली चिमनी परचेज करते वक्त नॉइस लेवल्स को इग्नोर किया जाता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो चिमनी है वो आपके लिए एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन सकता है। आपको ऐसी चिमनीज को अवॉइड करना चाहिए जिनके नॉइस लेवल्स 60 डेसिबल से ज्यादा है, और इस वीडियो के अंदर हमने ये स्पेशली ध्यान रखा कि हम सिर्फ वही चिमनीज इंक्लूड करें जिनके नॉइस लेवल 60 डेसिबल से कम है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर आता है आपकी चिमनी की सक्शन पावर। आप चाहे लो ऑयल कुकिंग करते हो या फिर आप डीप फ्राइंग करते हो, आपकी चिमनी के अंदर एटलीस्ट 1000 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर जरूर होनी चाहिए। आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ वही चिमनीज इंक्लूड की हैं जिनके अंदर आपको मिनिमम 1000 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर मिल जाती है। और लास्टली, किसी भी ब्रांड की चिमनी को परचेज करने से पहले आपको उसके ऊपर मिलने वाली वारंटी और उस पर्टिकुलर ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस को भी जरूर चेक करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर जितने भी ब्रांड्स इंक्लूड किए गए हैं वो सभी रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं और आपको एक डिसेंट आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करा देते हैं। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपको अपनी चिमनी की प्राइसिंग के अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जरूर ऐड करके चलना चाहिए, जो कि आप 2 से 3000 रुपीज के अप्रोक्स लेकर चल सकते हैं। नंबर 5 पर हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हैंडवेयर की तरफ से आने वाली फिल्टरलेस ऑटो क्लीन चिमनी, जो कि 1350 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर के साथ में आती है। हैंडवेयर की ये चिमनी स्टेनलेस स्टील ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ में भी आती है, और इसके अंदर आपको ऑटो क्लीन और फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। स्पेशल बात यह है कि इस चिमनी के अंदर आपको मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब कि आप इसको किसी भी बटन को बिना दबाए अपने हाथ को इसके पास ले जाकर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ड्यूअल LED लैंप्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 58 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स। फिलहाल अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं अराउंड 12,800 रुपीज के अप्रॉक्स, और हैंडवेयर की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है टोटल 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी। हैंडवेयर की चिमनी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपने किचन के अंदर ज्यादा ऑयली फूड कुक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 1350 क्यूबिक मीटर पर आर की हाईएस्ट सक्शन पावर मिल जाती है। लेकिन हैंडवेयर का सिर्फ एक माइनर कॉन ये आ जाता है कि कुछ एरियाज के अंदर इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अच्छी नहीं है। आप इनके इस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर अपनी लोकेशन बताकर इनका सर्विसिंग फीडबैक ले सकते हैं, और अगर आपके एरिया के अंदर इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। नंबर 4 पर हमने यहाँ पर इंक्लूड किया ग्लेन की तरफ से आने वाली ऑटो
क्लीन कर्व्ड ग्लास फिल्टरलेस चिमनी। ग्लेन की इस चिमनी के अंदर आपको 1050 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर मिल जाती है और इसके अंदर भी आपको ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ साथ में मोशन सेंसर कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। ग्लेन की ये चिमनी कर्व्ड ग्लास के साथ में आती है जिसकी वजह से इसके जो लुक्स हैं वो और बेटर दिखते हैं और LED लाइटनिंग के साथ साथ में यहाँ पर आपको ऑटो क्लीन फंक्शन भी मिल जाता है। फिलहाल अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप इसको परचेज कर पाएंगे 11,200 रुपीज के अप्रॉक्स और ग्लेन यहाँ पर आपको देता है 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 5 ईयर्स की मोटर वारंटी। इस चिमनी के अंदर आपको मिलेंगे 58 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स और ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है अगर आपकी नॉर्मल ऑयल कुकिंग हैबिट्स हैं। इस चिमनी के अगर हम कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो अगेन ग्लेन की आफ्टर सेल सर्विस कुछ एरियाज के अंदर अच्छी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया के अंदर ग्लेन की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। और सभी ब्रांड्स के बेफल फिल्टर किचन चिमनी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पर हमने यहाँ पर इंक्लूड किए व्हर्लपूल की तरफ से आने वाली ऑटो क्लीन कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी। व्हर्लपूल की इस चिमनी के अंदर आपको 1100 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर मिलती है और ये एक बेफल फिल्टर चिमनी है जिसके अंदर आपको मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है। इस चिमनी के अंदर आपको ऑटो क्लीन फंक्शन के साथ साथ में एक ऑयल कलेक्टर ट्रे भी मिलती है और कर्व्ड ग्लास डिजाइन होने की वजह से इसके जो लुक्स हैं वो और बेटर नजर आते हैं। फिलहाल अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं सिर्फ 11,500 रुपीज के अप्रॉक्स और व्हर्लपूल की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है टोटल 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी। चिमनी के अंदर आपको टच कंट्रोल पैनल भी मिल जाता है और साथ ही साथ एक LED लैंप लाइटनिंग भी मिल जाती है। नॉइस लेवल्स की अगर बात करी जाए तो वो 58 डेसिबल्स के हैं और अगर कॉन्स की बात करी जाए तो इस चिमनी के अंदर कोई भी मेजर कॉन्स मुझे देखने के लिए नहीं मिले। अगर आप एक बेफल फिल्टर चिमनी परचेज करना चाहते हैं जो कि ऑटो क्लीन फंक्शन के साथ में भी आए, साथ ही साथ आपका जो बजट है वो 10,000 से 11,000 रुपीज के अप्रॉक्स का है, तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। इस चिमनी के 60 सेंटीमीटर साथ साथ 90 सेंटीमीटर दोनों ही मॉडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं अपने नंबर 2 चिमनी के बारे में जो कि यहाँ पर हमने इंक्लूड की है फेबर की तरफ से आने वाली फेबर की 2023 मॉडल लेटेस्ट ऑटो क्लीन चिमनी। इस चिमनी के अंदर आपको 1250 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर मिलती है और इसके अंदर भी आपको ऑटो क्लीन फंक्शन के साथ साथ में मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इस चिमनी के अंदर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको LED सॉफ्ट लैंप मिलता है जिसकी हेल्प से आपकी फूड अपीयरेंस और बेटर हो जाती है। इस चिमनी के अंदर आपको 3-way सक्शन का फंक्शन मिलता है यानी कि आप इसकी सक्शन स्पीड को 3 अलग अलग सेटिंग्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप इसको परचेज कर पाएंगे 15,000 रुपीज के अप्रॉक्स और फेबर की स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको मिलती है टोटल 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 12 ईयर्स की मोटर वारंटी। इस चिमनी के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं, एक अच्छा खासा वारंटी पैकेज भी यहाँ पर आपको दिया गया है और अगर कॉन्स की बात करी जाए तो इसका सिर्फ एक माइनर कॉन ये है कि 15,000 रुपीज की जो प्राइसिंग है वो दूसरे चिमनीज के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आपको कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। फाइनली हम यहाँ पे अपने नंबर 1 चिमनी के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पर आती है एलिका की तरफ से, जो कि अगेन एक ऑटो क्लीन फिल्टरलेस चिमनी है जिसके अंदर आपको 1200 क्यूबिक मीटर पर आर की सक्शन पावर मिल जाती है। एलिका के इस चिमनी के अंदर आपको ऑयल कलेक्टर ट्रे के साथ साथ में 3 अलग अलग स्पीड मोशन कंट्रोल्स मिलते हैं और ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इसके अंदर आपको 220 वॉट की पावरफुल मोटर भी मिल जाती है। इस चिमनी के लुक्स और डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम है क्योंकि ये कर्व्ड ग्लास के साथ में आती है और इसके अंदर आपको मिलते हैं सिर्फ 58 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स। फिलहाल अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप इसको परचेज कर पाएंगे 13,000 रुपीज के अप्रॉक्स और एलिका की स्पेशल बात यह है कि अगेन यहाँ पर आपको 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी तो मिलती है, साथ ही साथ 15 ईयर्स की मोटर वारंटी दी गई है। इस चिमनी के अगर कॉन्स की बात करी जाए तो उसके अंदर कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है और दूसरे चिमनी इसके कंपैरिजन में वारंटी पैकेज भी यहाँ पर आपको बेस्ट मिलता है। ऑलमोस्ट सभी रिक्वायर्ड यूजफुल फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।